हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। आज का अपना टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय वेव ऑप्टिक्स। हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि जो लाइट होती है उस लाइट से हम लोग कई कई तरह के फिनोमिना डिस्कस करते हैं। जैसे हमने रे ऑप्टिक्स में सीखा था कि भाई लाइट से हम लोग रिफ्रैक्शन को पढ़ लेते हैं, लेकिन तब भी हम डिस्पर्जन की, इंटरफेरेंस की, पोलराइजेशन की बात करते हैं तो जो रे नेचर था लाइट का, उस रे नेचर से हम लोग उसको नहीं स्टडी कर सकते। इसलिए हम लोगों ने, हाइजन ने एक थ्योरी दी थी, वेव थ्योरी। उस वेव थ्योरी पे बेस्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे डिफ्रेक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, या फिर आपका पोलराइजेशन हो गया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेव थ्योरी का यूज़ करके हम लोग रिफ्लेक्शन कैसे पढ़ सकते हैं। रिफ्लेक्शन होता क्या है वैसे? तो रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ कि तब भी कोई किरण है ना, किरण तब भी कोई किरण जाके मिरर से टकराती है, तो मिरर से टकराने के बाद उस किरण की दिशा बदल जाती है, और उसका दिशा में परिवर्तन आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसी तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे आज बाय यूजिंग वेव ऑप्टिक्स, कि भाई वेव से हम लोग कैसे रिफ्लेक्शन प्रूव कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हमें ये चीज़ मालूम है कि जो वेव का नेचर होता है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करता है। ये अपने पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये कि वेव फ्रंट और जो लाइट रे होती है वो हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो पहले मैं यहाँ पर रे ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक रे है, और जो हमने रे ड्रॉ की, पक्की बात है कि इस रे से परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट। ये हमने एक और रे ड्रॉ कर ली, लेट अस सपोज, और यहाँ पर मैं तीसरी भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमने तीन रे ड्रॉ की, और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर हमने वेव फ्रंट ड्रॉ कर दी। ये वेव फ्रंट हुआ। तो वेव फ्रंट का जो प्रोपगेशन होता है, वो प्रोपगेशन ये होता है कि वेव फ्रंट में जो हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट होता है, वो अपने आप को एज अ सोर्स ट्रीट करता है, और तो वो अपने आप को एज अ सोर्स ट्रीट करता है तो वो वेवलेट्स बनाता है, और जो वेवलेट्स का कॉमन पॉइंट है, लास्ट लेक्चर में सीखा था हमने ये बात कि जो उसका कॉमन पॉइंट है वो एक नया वेव फ्रंट बना देता है। तो बेसिकली ये हुआ आपके प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट ऐसे प्रोपगेट करते हुए इस पॉइंट तक आ जाता है, ये यहाँ पर। अब ये कहानी समझने लायक है। तब ये यहाँ पर आ जाता है, तो ये वाला जो पॉइंट है जिसका मैं नाम रख रहा हूँ ए, ये ए पॉइंट, इससे टकराने के बाद इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नीचे तो आ नहीं सकता, तो फिर क्या करता है, ये जो वेवलेट्स बनाता है, ये वेवलेट्स ऐसे ऊपर की तरफ बनाता है, और ये वाला जो उसी वेव फ्रंट का दूसरा पॉइंट है जिसका नाम मैं रख देता हूँ बी, तो ये वाला जो पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट अभी इसी मीडियम में है। देखिए, इससे ऊपर एक मीडियम है और इससे नीचे कोई दूसरा मीडियम रहा होगा, तो यहाँ पर जो लाइट है वो लाइट बेसिकली सेम मीडियम में है, इस एम मीडियम में। यहाँ ये वाला जो बी पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल वेवलेट्स बनाता है, उसके साथ साथ ये ए वाला है, ये भी अपने वेवलेट्स बनाता है, तो ये यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बनाते बनाते इस डायरेक्शन में यहाँ पर पहुँच जाता है। इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, तब ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है सी पॉइंट पर, तो इसको यहाँ तक जाने में टी टाइम लगता है, और यहाँ पे जिस वेलोसिटी से चल रहा था, लाइट की स्पीड क्या होती है, सी लाइट की स्पीड हो गई, और टी उसका टाइम, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, सी टाइम टी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो आंसर है बी सी इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉट, स्पीड इंटू टाइम, सी इज वॉट, स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है वो, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर से देखेंगे, यहाँ से जो वेवलेट्स बनते हुए यहाँ तक पहुँचे, उतने ही टाइम टी तक इसने भी वेवलेट्स बनाए, ऐसे वेवलेट बनाए होंगे, और जो ये वेवलेट बना रहा है वो वेवलेट लास्ट में जाके, लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पहुँचा ऐसे, फिर से ये ऐसे वेवलेट बनते गए ऐसे पूरे गोले बनते गए, और एक गोले का पार्ट हमने ये वाला लिया टी टाइम बाद, यहाँ से ये वाला जो वेवलेट बना है ये टी टाइम बाद है, और टी टाइम बाद ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया, ये यहाँ पे चला गया है, तो इसको और इसको तब हम मिलाते हैं ऐसे, ये मैं इनको मिला देता हूँ, तो उनका कॉमन टेंजेंट हमें क्या देता है, तो आंसर एक नया वेव फ्रंट देता है। फिर से इसका वेवलेट यहाँ तक पहुँचा, इस पॉइंट का यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था,
दोनों का टेंजेंट हमें नया वेव फ्रंट दे रहा है, तो ये वेव फ्रंट यहाँ से इधर चला गया। अच्छा, अब हमें इंसिडेंट एंगल आई के बारे में सोचना है थोड़ा सा। देखिएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो तब रे आई तो कौन सा एंगल आई होगा? आई एंगल हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच होता है, ये वाला एंगल आई। तो अगर ये वाला एंगल आई, फिर से सुनना, ये वाला एंगल आई है आपका, और यहाँ से ये जो रे है और ये जो इसका वेव फ्रंट है, उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। हमेशा कैसे होते हैं वेव फ्रंट और रे? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ये अगर पूरा 90 डिग्री है, ये वाला आई है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस आई। अब अगर ये 90 माइनस आई हो गया, तो ये क्या आपका नॉर्मल और ये क्या है सरफेस, ये पूरा एंगल भी क्या होता है 90। ये वाला एंगल अगर 90 माइनस आई है, तो बचा हुआ एंगल क्या हुआ? आई। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आई एंगल से वेव फ्रंट इस सरफेस के साथ टकराया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड सरफेस इज आई। ये आई एंगल हुआ। अब यहाँ से ये इसके टकराने के बाद, तब ये यहाँ पर वेव फ्रंट चला गया, तो हमने क्या किया, इन लाइंस को ऐसे आगे बढ़ा दिया। ये वाले जो पॉइंट था, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, इसको भी ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ से ये ऐसे। अब ये वेव फ्रंट क्या करता है? अब ये वेव फ्रंट ऐसे आगे की तरफ ट्रैवल करते हुए चला जाता है। लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना था, रिफ्लेक्शन प्रूफ करना था वेव थ्योरी से। ये तो ठीक है कि हमने क्या किया, इस वाले वेव फ्रंट को यहाँ से आगे टकराया, इसे इसका पॉइंट मैंने ए रखा, ये बी है, ये सी है, तो मैं इसको डी ले लेता हूँ। ये आपका पॉइंट क्या हो गया? डी। ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गई, और एक दूसरी ट्रायंगल अपने पास जो मिली है वो है ए डी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग इनके साइड्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ए डी सी, देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में और ए डी सी ट्रायंगल में कौन कॉमन है? ए सी। अगर ए सी कॉमन है, तो ए सी बराबर क्या हुआ? ए सी। क्यों, कैसी साइड है ये? कॉमन साइड। ये जो कॉमन साइड है, इनसे हमने लिख लिया। दूसरा हमने यहाँ पे चेक किया कि ये वाला जो एंगल है एंगल बी, और ये वाला जो एंगल है एंगल डी, दोनों 90 हैं। क्यों 90 है? क्योंकि एक रे और एक वेव फ्रंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी बराबर क्या? 90 डिग्री। एंगल बी और डी अगर 90 डिग्री है, तो अब एक बात और समझिएगा, बहुत ध्यान से सीखने वाली बात। बी से सी तक जाने में वो सी वेलोसिटी से चला, कितनी वेलोसिटी से? सी वेलोसिटी से चला, और टी टाइम उसको लगा, तो बी सी इज इक्वल टू व्हाट? सी इंटू टी। और यहाँ से ए से डी जाने में क्या किया उसने? तो ए से डी जाने में भी, ए से डी जाने में भी टी टाइम लगा, और यहाँ भी किस वेलोसिटी से चला? वो सी वेलोसिटी से चला, तो ये भी किसके बराबर आ गया? तो आंसर है ए डी भी किसके बराबर है? सी टी के बराबर ही है। तो अगर ये दोनों सी टी के बराबर है, तो क्या हो गया? ए डी बराबर बी सी बराबर सी इंटू टी। क्यों, यहां पे लिख रहा हूं मैं, वेयर टाइम एंड स्पीड सेम। टाइम और स्पीड सेम होने से क्या हुआ? ए डी बी सी के बराबर हो गया। अगर इसके तीन फैक्टर बराबर हो गए, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये रिफ्रैक्शन, देखिए फिर से, रिफ्रैक्शन एंगल हमने नहीं बनाया था, नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल फिर से किसके बीच बनेगा? इस सरफेस के बीच और वेव फ्रंट के बीच। कैसे आया ये? तो फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करके, जैसा हमने इसके लिए किया था, ऐसे उसके लिए कर लेंगे। तो ये वाला एंगल हो गया अपना आर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कॉन्ग्रेंसी की वजह से कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर अगर प्रूफ हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन का है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। यही तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग इसको समझ पाए कि तब भी हम वेव थ्योरी का बात कर रहे होते हैं, वेव थ्योरी से पढ़ रहे होते हैं, तो रिफ्लेक्शन कैसे स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हम एंगल आई को एंगल आर के बराबर प्रूफ कर देते हैं, तो इससे ये प्रूव हो जाता है। इसे बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि तब भी रिफ्लेक्शन होता है,
ध्यान से सुनना, तब भी रिफ्लेक्शन होता है, तो उस रिफ्लेक्शन के केस में लाइट का फेज चेंज कितना होता है, इसके फेज में कितना बदलाव आता है, तो इसके फेज में जो बदलाव आता है, वो जो फेज चेंज होता है, वो फेज चेंज होता है पाई, पाई फेज चेंज से ये लाइट चली जाती है। बहुत बार पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन के केस में कितना फेज का चेंज होता है, क्यों होता है फाई चेंज, क्यों होता है फेज, तो उसका फाई चेंज होने का मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम डिस्कस करते हैं कि ये एक डिस्क है और यहाँ पे हमने एक इसमें रस्सी बांधी हुई है, और तब हम रस्सी को ऐसे मूव कराएंगे तो क्या होगा, जैसे रस्सी का ये वाला क्रस्ट यहाँ पे बनेगा तो ये ऐसे रस्सी ये वाली डिस्क ऊपर जाएगी और फिर ये ट्रप बनने के साथ नीचे आ जाती है ऐसे। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे हिंज्ड कर देता हूँ, नहीं जाने देता आगे, इसको यहाँ पे बांध देता हूँ, तो इसके बांधने पर क्या होगा, जैसे ही वो वेव आएगी तो वो इसको ऐसे ऊपर उठाना चाहेगा, लेकिन क्या होगा, ये इसको नीचे खींच के क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, क्रस्ट को क्या बना देता है, ट्रफ बना देता है, कितने एंगल से वापस मोड़ देता है, 180 डिग्री से, पाई एंगल से उसको वो वापस मोड़ देता है, तो उससे क्या हुआ, ये ऐसे आई लेकिन इसको इसने क्या किया, मूव नहीं करा दिया, इसको ऐसा डायरेक्शन में चेंज कर दिया, तो इस वजह से इनके फेज का डिफरेंस कितना होता है, फाइव फेज डिफरेंस होता है। ये हमने प्रूव किया रिफ्लेक्शन बाय द वेव थ्योरी। सिमिलर टॉपिक एक ऐसा ही रिफ्रैक्शन का हमें करना होगा कि अगर हम वेव थ्योरी से रिफ्रैक्शन प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करते हैं। चलिए अब हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। रिफ्लेक्शन में आपको जस्ट वेव फ्रंट को आगे बढ़ाना था और जो आपका सरफेस था वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। रिफ्लेक्टिंग का मतलब ये हुआ कि उससे लाइट रे पास नहीं हो सकती थी। लेकिन अभी तब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उस रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, ध्यान देना बच्चों। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए उसमें हमें एक इंटरफेस लेना होता है, ये इंटरफेस हुआ और इस इंटरफेस से ऊपर, इस इंटरफेस क्या होता है, तो इंटरफेस वो होता है जो दो चीज़ों को डिवाइड कर रहा हो। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है, उस इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में क्या होता है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी, बाहर की तरफ हम लोग, तो एक इंटरफेस हो जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक इंटरफेस लिया और इसको हमने मीडियम वन लिया और इसको मीडियम हमने टू लिया, फिर से ये मीडियम एम वन, इससे ऊपर वाला मीडियम और इससे नीचे वाला मीडियम एम टू, फिर से वही खेल हमें खेलना है इसमें भी कि किरण आएगी, पता नहीं किरण आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ से हमने एक रे बनाया, रे मतलब किरण, रेखा भी कह सकते हैं आप लोग, ऐसे। तो ये जो रे है, इस रे से परपेंडिकुलर क्या होता है, वेव फ्रंट, फिर से सेम वही खेल है। इसमें भी जो वेव फ्रंट है वो इस तरीके से प्रोपगेट करेगा वेवलेट्स बनाते हुए, और ये यहाँ से प्रोपगेट करते हुए ऐसे आगे से बढ़ता रहेगा। यहाँ आगे आने के बाद तब ये लास्ट में यहाँ पर पहुँच जाता है, जो इधर पहुँच जाता है, तो इस पॉइंट पे, इस कहानी पे क्या होता है, यहाँ पे जाके जो ये वाला पॉइंट था ए आपका, ए वाला पॉइंट, ये भी वेवलेट बनाता है, और जो ये वाला पॉइंट था बी पॉइंट, ये भी वेवलेट बनाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि मीडियम एम वन है, तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड मान लेते हैं वी वन होगी, और ये मीडियम एम टू है, तो यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होगी, वी टू होगी। इनकी स्पीड अलग अलग है, अगर इनकी स्पीड अलग अलग तो क्या हो रहा होगा, इस बी से, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, तो बी से सी तक जो ऐसे वेवलेट्स बनते जाएंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, बी से सी तक तब पहुँचेगा वो, तो उस कंडीशन में यहाँ तक आने में उसको टी टाइम लगेगा, और किस वेलोसिटी से चलेगा वो, तो आंसर है वी वन वेलोसिटी से चलेगा। तो ये साइड BC किसके बराबर हो जाएगी, तो BC इज इक्वल टू वी वन स्पीड ऑफ लाइट एंड टी टाइम टेकन, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। सेम उसी टाइम पे ये क्या कर रहा होगा, तो ये भी अपने वेवलेट से बना रहा होगा ऐसे, लेकिन इसका मीडियम चेंज होने से इसकी स्पीड बदल गई है, तो स्पीड बदल जाने से क्या होगा कि जब ये टी टाइम तक अपने वेवलेट्स बना रहा होगा और ये भी अपने वेवलेट्स बना रहा होगा, तो इनका तो हम कॉमन टेंजेंट लेंगे ऐसा, ये एक हम कॉमन टेंजेंट लेंगे, जो वो कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, और ये जो कॉमन टेंजेंट हमने यहाँ पे खींचा, इस कॉमन टेंजेंट को हम नया वेव फ्रंट कहेंगे, तो नया वेव फ्रंट कहेंगे, तो ये एंगल आपका अगर आई था तो ज़रूर वेव फ्रंट के साथ फिर से क्या बनेगा, ये एंगल आर, और ये लाइट रे ऐसे जाना स्टार्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। अब ये वेव फ्रंट ऐसे आए और वेव फ्रंट ऐसे आने के बाद फिर नीचे ऐसे चलने लग गए, तो क्या हुआ कि ये वेव फ्रंट यहाँ से ऐसे आते 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 आए, ये ऐसे बदल जाते हैं,
इस टाइप से ये मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। ये वाला एंगल अपना आर है, ये आई है, लेकिन अपना टास्क ये तो नहीं था। अपना तो टास्क ये था कि हमें प्रूफ करना था वेव थ्योरी से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अगर हम रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना चाहते हैं तो ये वाली जो साइड थी ये, इसको मैंने ए बोला हुआ था, और ये वाला पॉइंट आपका बी सी, तो इसको मैं डी कह देता हूँ। तो जो ए डी साइड है ये किसके बराबर है, तो आंसर है टाइम टी, इसको भी इतना ही लगा। यहाँ से यहाँ आने भी टाइम टी लग रहा है और यहाँ से यहाँ आने भी टाइम टी लग रहा है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v2। तो इस AD इज इक्वल टू, मैंने क्या बोल दिया इसको, v2t। ये v2t और ये v1t, ये BC और ये AD। इसको प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ से रेशियो लेते हैं साइन i। अगर मैं यहाँ से साइन i निकालना चाहूँगा तो क्या होगा, साइन i में हम लोग लेंगे BC। ये तो आता होगा ना कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद ही बोले जो भी, BC अपॉन क्या, AC। और यहाँ से साइन आर निकालना चाहे तो क्या होगा, साइन आर इज इक्वल टू ए डी बाई क्या, मैं सही कर रहा हूँ कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका ए डी अपॉन ए सी और ये बी सी अपॉन ए सी हो गया। तो मुझे बहुत ऑब्वियस साइन आई बाई साइन आर निकालना चाहिए, तो तब मैं इस समीकरण नंबर एक और दो को सॉल्व करता हूँ, तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी डिवाइडेड बाई ए डी अपॉन एसी से एसी मर गया, क्या बचा भाई, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आया, बी सी बाय ए डी, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू बी सी बाय ए डी, और बी सी किसके बराबर दिया हुआ था, तो आंसर है वी वन टी के बराबर, और ए डी किसके बराबर था, वी टू टी के बराबर। तो ये अगर वी वन टी और वी टू टी के बराबर है तो टी से टी मर जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, साइन आई बाय साइन आर दैट इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। ध्यान से सुनना इस बात को, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, और वो कितनी होती है, वी वन। आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, कहीं पर भी हैं, कितनी होगी, वी वन ही होगी। इस मीडियम में वी टू कांस्टेंट होती है, तो ये दोनों ही क्या हैं, कांस्टेंट है। और अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो क्या हुआ, इन दोनों के कांस्टेंट होने से ये क्वांटिटी क्या मिली हमें, एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिली, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, म्यू। म्यू इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें यहाँ से मिला, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन आई बाय साइन आर के रेशियो को हम बराबर पुट करते हैं तो हम इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ ही क्या क्या प्रूव करता था, रिफ्रैक्शन प्रूफ करता था। सिमिलर क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है कि तब लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है तो उस रिफ्रैक्शन में कितना फेज चेंज होता है, कितना फेज चेंज होता है। आंसर है इसमें कोई फेज चेंज नहीं होता, क्योंकि रिफ्रैक्शन में कोई फेज का चेंज नहीं होता है, उसका रीजन हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तो ये पूरा हमने जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट सीखा और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट सीखा, ये हमने वेव ऑप्टिक्स से सीखा था, पहले हम इसको रे ऑप्टिक्स से सीख रहे थे।